सोचो क्या होगा अगर आप एक जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें पेमेंट है 10,000 रुपए और सिलेक्शन पाते ही सैलरी हो जाए 20,000। इट साउंड्स क्रेजी बट ऐसा हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईसीसी ने विमेन्स T20 वर्ल्ड कप के विनर्स प्राइस को कितना कितना बढ़ा करके कितना कर दिया है, और जानेंगे कि गली क्रिकेट के बॉयज क्यों कह रहे हैं अगली जन्म में बिटिया ही गिरी हो। जस्ट किडिंग। और जानेंगे कि आईसीसी ने कितने साल पहले अपने एक खास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो बात हो रही है आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप की, जो कि 3 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में बांग्लादेश में आयोजित होने जा रहा है। वेट, बांग्लादेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो इसे शिफ्ट करके यूएई में कर दिया गया है। तो इस बार T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में यूएई में होने वाला है। इस वर्ल्ड कप में प्राइस मनी को आईसीसी ने बढ़ा करके दोगुने से ज्यादा कर दिया है। जी हाँ, वो भी मेंस क्रिकेटर्स के वर्ल्ड कप के बराबर कर दिया है। बताते हैं कितना। इस बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता और इंडिया को इसे जीतने के बदले में मिले हैं पूरे 20 करोड़ रुपए। तो इस बार विमेंस क्रिकेट टीम को भी, जो कि वर्ल्ड कप जीतेगी, उसे मिलेंगे 20 करोड़ रुपए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग है पिछले वर्ल्ड कप की प्राइस मनी। जी हाँ, पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और उसे प्राइस मनी मिली थी 8 करोड़, और इस बार 8 × 16 + 4 = 20 करोड़। तो आप समझ सकते हैं, लगभग 134% का इजाफा करके आईसीसी ने इसे 20 करोड़ के बराबर कर दिया है। पिछली पिछली बार बार वर्ल्ड कप जीतने वाले को जितने करोड़ मिले थे, उतना तो इस बार हारने वाले को मिलेंगे। हारने वाले मतलब जो कि फाइनल हारेगा, इट मींस रनर अप। इस बार आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में जो रनर अप टीम है उसे मिलेंगे 9 करोड़ रुपए, और पिछली बार मिले थे 4 करोड़ रुपए। तो ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा का इजाफा इसमें भी कर दिया है। आईसीसी ने। इस बीच जो सबसे खास बात है, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है, वो आईसीसी की टाइमिंग। जी हाँ, आईसीसी ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय दिया था 2030 तक का। जी हाँ, 6 साल पहले 2024 में ही आईसीसी ने अपने इस जेंडर इक्विलिटी के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एक फैक्ट और है जो कि इसमें खास है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मेरी सहायता कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट फैक्ट है, आईसीसी ने जेंडर इक्वलिटी को आधार बना करके एक और चेंज पिछले दिनों में किया था, जिसमें था कि बैट्समैन जो भी हैं उनको अब बैटर बोला जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि कोई बोले कि अब आ रही हैं महिला बैट्समैन कालकी कोचलिन क्रीज पर। सो इट्स चेंज टू महिला बैटर कालकी कोचलिन। इट साउंड्स ग्रेट। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हम ऐसे वीडियो आपके लिए देते आते हैं।